नमस्कार, मैं रिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स का डॉक्टर गौरव दत्त। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर से अंकित दुबे, जिन्होंने LIC ADO 2022 एग्जाम क्लियर किया है। वेलकम अंकित, बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं। अंकित, थैंक यू मैम। आप गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा बताएं अपने बारे यस में। मैम। मैंने बेसिकली ग्रेजुएशन में बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो 2018 में शुरू की। और सबसे पहले तो उस टाइम मेरी एज कम थी, तो मैं कोई भी एग्जाम दे देता था, जैसे कांस्टेबल के हुए, एसएससी जीडी के हुए, वो सभी मैंने क्लियर किए थे। इनिशियली मैं एसएससी की तैयारी करता था, और फिर उसके बाद से उस एग्जाम में बहुत उस टाइम डिले हुआ करता था। तो एक एग्जाम आया था रेलवे जेई का, तो उसको मैंने बहुत मन से दिया। मुझे लगा कि मेरा रेलवे जेई में इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। प्री निकला, मेंस दिया मैंने, और लास्ट में जाके ऐसे जो से मैंने फॉर्म भरा था जहाँ कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड जाती है, तो फाइनल जाके मेरा नहीं हुआ। तो फिर जाके एक थोड़ा सा जो है लगा कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है फिर से शुरू करते हैं। देन आफ्टर तब 2019 आ गया था, और फिर उसी टाइम मेरे भाई का भी सिलेक्शन हो गया था LIC। तो उन्होंने सर के बारे में भी बताया कि तुम भी बैंक की तैयारी करो और सर को फॉलो करो करेंट अफेयर्स के लिए। तो मैं 2019 से बैंक की तैयारी में शुरू हो गया और सर को फॉलो करने लगा। उसके बाद से मैंने कई बार बैंक के मेंस दिए, इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होता था। मेंस तो मैंने मतलब अनकाउंटेड टाइप्स हो गया कि उसकी कोई गिनती नहीं है। और इंटरव्यू भी मैंने कई बार दिया, लेकिन रिजेक्शन हो जाता था। और फिर फाइनली जाके 2023 में मेरा सबसे पहला सिलेक्शन रेलवे NTPC में Level 5 के पोस्ट पे हुआ, जिसमें इस टाइम मैं पोस्टेड हूँ, ज्वाइन कर लिया हूँ। यहीं गोरखपुर में ही मेरी पोस्टिंग भी है, घर के पास। और सेकेंड जो मेरा दूसरा सिलेक्शन हुआ वो मेरा SSC में ही हुआ, और SSC के सबसे टॉप पोस्ट पे हुआ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट पे, जिसका अभी स्टेट एलोकेशन आना आने आना बाकी है। स्टेट प्रेफरेंस मैंने भर दिया है, देखते हैं कहाँ मिलता है। और देन आफ्टर मेरा FCI AG डिपो में सिलेक्शन हुआ, तो उसकी तो मैंने DV स्किप कर दी, क्योंकि यहाँ पे मैं पोस्टेड था, और फिर सारी चीजें करना तो एक ही नौकरी करनी है। और लास्ट में इस समय मेरा जाके LIC ADO में भी सिलेक्शन हो गया। तो बहुत सारे रिजेक्शन हुए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए, लेकिन फाइनली जाके कुछ अच्छी अच्छी नौकरियां मिली। और ये पूरी स्टोरी है प्रिपरेशन, जब मैंने 2018 से शुरू की और ये 2023 था। तो अंकित, आपने एक नहीं बल्कि कई सारे एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, और यस जिस भी मंजिल तक जो भी एग्जाम आप क्लियर करना चाहते थे वो सभी हैज बीन पुट इनटू पर्सपेक्टिव बाय यू, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और मुझे लगता है कि आज तो हम कर रहे हैं LIC ADO पर, लेकिन बहुत सारे और भी एग्जामिनेशन जो आपने क्लियर किए हैं उसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी एस्पिरेंट्स हैं कि एक नहीं बल्कि अनगिनत एग्जामिनेशन आप क्लियर करें और अनगिनत टिप्स आपसे मिल सकती है। सबसे पहला तो मैं जो प्रिपरेशन के फेज में जो सबसे पहला टिप्स होता है, मैं यही कहूंगा कि पेशेंस सबको रखना चाहिए। सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं। मैं भी पढ़ने में बहुत तेज हुआ करता था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट में देखता था इंटरव्यू देने के बाद, इस बार तो पक्का हो जाएगा, और फिर जब मैं देखता था नहीं, इस बार भी नहीं हुआ, फिर लगता था यार फिर से सारी चीजें शुरू करनी है, फिर से प्री देना है, फिर से मेंस देना है। तो लेकिन ये थी कि मैंने कभी हार नहीं माना। मैंने हमेशा लगे, चूंकि मैं 2018 से ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर आज देखें तो लगभग 4-5 साल होने वाले हैं। तो और ऐसा भी नहीं था कि अभी मेरा कभी प्री नहीं निकलता था, ये सारी चीजें नहीं थी, लास्ट में जाके नहीं होता था, तो बहुत बुरा लगता था। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता था कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो एक ना एक दिन रिवार्ड जरूर मिलेगा, और पेशेंस रखा था। और सबको यही करना चाहिए कि पेशेंस रखे रहना चाहिए और अपना मेहनत करते रहिए, सबको सफलता जरूर मिल जाएगी। तो जब भी हम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज वन, बट वी सीक फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन। तो आपसे जानना चाहेंगे कि व्हेन यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन, मन माइंडसेट कितना स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज आपने कहा पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंस लाने के लिए यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रांग माइंडसेट कि लगे रहेंगे, डटे रहेंगे। वो सारी चीजें जब आप एक बार डिसाइड करके शुरू करते हैं कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, हाँ मुझे प्रिपरेशन करनी है, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए। मैं गवर्नमेंट जॉब की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप प्राइवेट जॉब में जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह इनिशियल स्टेज में आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा।
तो आपका हमेशा से माइंडसेट इस क्लियर होना चाहिए कि जब मैं शुरुआत करने किसी भी चीज को जा रहा हूँ तो वहाँ स्ट्रगल है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब में कहीं जाके अपने अपने को बार बार हाइक लेना हो, तो हर जगह कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, हर जगह हम देखते हैं तो स्ट्रगल है। तो इस हिसाब से आपका माइंडसेट हमेशा से क्लियर होना चाहिए कि हाँ अब लग गया हूँ तो ये चीज करके ही छोड़ूंगा, और वही चीज है, जब तक होगा नहीं तब तक छोड़े क्यों भाई। एक चीज होती है ना कि जब इंसान होता है किसी, मेरे पापा बोला करते थे कि जब मैं सोचता था कि इस बार भी नहीं हुआ तो अब छोड़ दूंगा, चूंकि मैंने बीटेक किया तो लगता था चलो फिर कहीं प्राइवेट ट्राई करते हैं, तो पापा बोला करते थे कि नहीं, जब कोई भी लोग पहाड़ चढ़ते हैं तो फिर वापस उतर रहे हो तो फिर उतनी ही मेहनत लगेगी, इससे बढ़िया चढ़ गए हो थोड़ा सा बचा है फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो एक दिन जरूर हो जाएगा। तो ये चीजें हमेशा काम देती थी। आई थिंक एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आपके फादर ने आपको दिया है, एंड आई एम श्योर आपके माध्यम से बहुत सारे लोग इस एग्जाम्पल को अपने अंदर रिटेन करेंगे कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप जेनिथ तक नहीं पहुंचे लेकिन हाफ वे हैं, हाफ वे और मेहनत करिए, क्योंकि हाफ वे में ही आप पहाड़ पहुंच जाएंगे, और अगर वहां से ही डाउनफॉल शुरू हुआ, नीचे उतरना शुरू हुआ तो शायद आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, इसलिए बेटर है कि आप पहाड़ पहुंच जाएंगे। इट्स अ यस ब्यूटिफुल मैम, एग्जाम्पल to get through and to be with around in the preparation stage. So Ankit, I'm sure इस तरीके का motivation अगर parents के तरफ से रहता है तो it's a big big blessing, I'm sure. Ankit, इस examination के बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, LIC EDO किस तरीके से प्रिपरेशन है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, हर स्टेज के बारे में डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि बैंक से रिलेटेड तो बहुत इसका पैटर्न है बट बैंकिंग से अलग भी है, ये भी समझना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं LIC EDO की बात करूं तो मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश की भी बात करूं तो ये सारी चीजें लगभग बैंकिंग पैटर्न की हैं, वही सेम पैटर्न की चीजें आती हैं, वही सारे क्वेश्चन होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अलग सेगमेंट मेंस में आके जोड़ जाता है, वो होता है इंश्योरेंस का। और इंश्योरेंस चूंकि इंश्योरेंस का इन समय इंडिया में पेनिट्रेशन भी देखा जाए तो बहुत कम है, तो लोगों को अवेयरनेस इंश्योरेंस के बारे में बहुत ही कम है, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। और इनफैक्ट इसमें सर ने, गौरव सर ने बहुत ज्यादा हेल्प की, मेरी भी की और भी बच्चों को की जो जो सेलेक्ट हुए हैं, और उनसे पढ़ने के बाद लगा कि हाँ इंश्योरेंस भी एक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर कोई अच्छा मेंटर हो, कोई अच्छा पढ़ाने वाला हो तो सारी चीजें इजी हो जाती हैं। तो एक LIC EDO की एग्जाम में एक इंश्योरेंस जो था कि बिग टास्क टास्क था सबके लिए, लेकिन ये चीज था कि सर ने जैसा पढ़ाया मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि 60 आउट ऑफ 50, 50 to 55 क्वेश्चन मतलब सर के अगर कोई भी पढ़े हुए हैं तो वो कर सकते थे। तो ADO का एग्जाम जो है वो काफी इजी हो गया था मेंस देखा जाए तो। और देन आफ्टर इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में भी लगभग वही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंश्योरेंस से ही रिलेटेड ही, तो वो सारे भी अगर आप इंश्योरेंस की अच्छी सारी अच्छे से मतलब पढ़ाई कर लें और आपको जॉब प्रोफाइल क्या है एज ए DO का वो अच्छी आप जान लें तो आपको इंटरव्यू में भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है और आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं इंश्योरेंस का आपने बताया, लेकिन थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स हैं उनको इस एकदम ही इंसेप्शन से इस एग्जाम की कैसे प्रिपेयर करें, प्रीलिम्स होंगे उसके लिए क्या खास बातों का ध्यान रखना है मेंस के लिए? प्रीलिम्स अगर हम बैंक इंश्योरेंस किसी भी एग्जाम का देखें तो सबसे बड़ी चीज होती है स्पीड, आपकी स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए, मतलब बेसिक तो आपके क्लियर होने चाहिए, आपको सारी चीजें जो सिलेबस है उसको आप पढ़िए, सिंप्लीफिकेशन हुआ, वर्ड प्रॉब्लम हुए, अगर मैं मैथ की बात कर रहा हूँ DI हुए, रीजनिंग की बात करूँ तो पजल्स हुए, सिलॉग्स हुए, ये सब सारी चीजें हैं, इनइक्वालिटीज हैं, तो ये सब चीजें तो आप पढ़िए, साथ में उसकी स्पीड आपकी बहुत तेज होनी चाहिए प्री के प्रोस्पेक्टिव में, और आपको इसके लिए हमेशा मॉक देते रहना चाहिए, उसका एनालिसिस करते रहना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि मैं किस क्वेश्चन में और बच्चों से पीछे रह जा रहा हूँ, किस क्वेश्चन में आगे रह जा रहा हूँ, जहाँ पीछे हूँ वहाँ और मेहनत करूँ, वहाँ की स्पीड बढ़ाऊँ, तो मेन सारा चीज प्री का मैं देखो तो स्पीड का ही खेल है। बाकी इंग्लिश एक लोगों को डर लगता है, कई लोगों को, कई लोगों को नहीं लगता, तो इंग्लिश अगर मैं कहूँ तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, फिर इंग्लिश का जो फियर है, जो फोबिया है, वो आपसे बहुत दूर भाग जाएगा। और तो ये तीन सेक्शन आपके, या तो मैं बैंक की बात करूं या LIC की बात करूं, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं, ये तीनों सेक्शन आपके लिए इजिली कवर हो जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूं मेंस में, तो मेंस में चीजें थोड़ी हाई लेवल की हो जाती हैं, चीजें यही जाती हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, एक एक्स्ट्रा सेक्शन बढ़ जाता है उसमें, GA का एक एक्स्ट्रा सेक्शन बढ़ जाता है, अगर मैं LIC की बात करूँ तो इंश्योरेंस का,
तो जीए को मैं ये कहूंगा कि आप डेली बेसिस पे करते रहिए, वो आपका बैकलॉग ना हो। अगर बैकलॉग नहीं होगा तो वो लास्ट में जाके आपको परेशान नहीं करेगा, आप चीजों को इजिली कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को मैं देखा हूँ, मेरे साथ भी कभी होता था कि मैं जिस दिन एग्जाम देने जा रहा हूँ, पता चला करेंट अफेयर पूरे अच्छे से मैंने पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं है। वो चीज इसलिए होती कि सारा बैकलॉग रहता था, 4 दिन 5 दिन में पूरा करेंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करता था तो दिक्कत होती थी। फिर आप लेकिन अगर आप डेली टू डेली उस चीज को पढ़ते रहिए कि हाँ ये आज का वीडियो है, मैंने इसको कवर कर लिया, तो वो लास्ट में जाके आपके लिए बैकलॉग नहीं बनता और आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जा सकते हैं। सेम चीज अगर मैं LIC में बात करूँ तो इंश्योरेंस के साथ भी वही है। अगर आप इंश्योरेंस की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर ली, आपने वीडियो देख लिया, आपने सारे बेसिक्स क्लियर कर लिए, फिर आप उसके एक IC38 करके ऐप आता है, LIC एजेंट्स के लिए वो आता है, उस पे आप प्रैक्टिस करके अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरी इंश्योरेंस की तैयारी कैसी है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो उसमें भी आप कॉन्फिडेंट होकर जा सकते हैं। और ये बेसिक चीजें जो हैं आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। फिर अगर आप बात करें इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में तो आपको हमेशा से बेसिक चीजों का आइडिया रहना चाहिए। जैसे मुझे याद आता है कि मैं एक बार RRBPO का इंटरव्यू देने गया था, मैंने सारी चीजें पढ़ी थी और अचानक सर का क्वेश्चन यही था कि आपके अगल बगल कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने बताया ये सर है। फिर उन्होंने पूछा नहीं ऐसे ना बताओ, मुझे डायरेक्शन वाइज बताओ कि ईस्ट में ये है, वेस्ट में वो है, साउथ में ये है, नॉर्थ में ये है। तो मैं फिर 1 मिनट को सोचा कि हाँ ये ईस्ट में पड़ेगा या वेस्ट में पड़ेगा, तो उन्होंने सर ने कहा कि इतना सोचना पड़ रहा है। तो आपको अपनी अपनी जो चीजें होती हैं, जो अपने प्लेस की चीजें होती हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपको हमेशा से पता रहनी चाहिए, अपने बारे में पता रहना चाहिए। बाकी तो उनका काम ही है, इंटरव्यू एक प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, रिजेक्शन का होता नहीं है, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे रहते हैं। तो आप उनके सवालों का अच्छे से जवाब दीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए किसी भी चीज को, किसी भी सवाल को लेके, और आपका सेलेक्शन जरूर हो जाएगा। अंकित, बहुत ही अच्छे से आपने इलस्ट्रेट किया हर एक स्टेजेस को और कैसे डील करना है अंकित। लेकिन एक एस्पिरेंट की लाइफ तपस्या भरी लाइफ होती है, आपने वो लाइफ जी है। किस तरीके से दिनचर्या होता था जब आप प्रिपेयर कर रहे थे और रिवीजन किस तरीके से करना है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम मिस कर देते हैं, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो रिफ्लेक्ट करता है आपकी प्रिपरेशन। लोग कहते हैं कि बहुत टफ चीज है गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ करें तो वो कोई भी चीजें टफ नहीं होती हैं। बस ये है कि आपको रोज पढ़ाई करनी है। जैसे मेरा क्या शेड्यूल था, मैं अपना सुबह लाइब्रेरी पहुंच जाता था, फिर मैं जितना देर वहां रहता था, लगभग 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जो भी रहता था, मैं वहां अपनी पूरी पढ़ाई करता था। उसके बाद से मैं घर पे आके फिर उसका रिवीजन वगैरह करता था। तो एक आपको शेड्यूल बना लेना है कि मुझे इस वे में मुझे पढ़ाई करनी है, और फिर रात को आप सोचिए कि हाँ मैंने इतना किया है कि नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप अपने साथ ही चीट कर रहे हैं, तो अगर आप अपने साथ चीट कर रहे हैं तो फिर एग्जाम में क्वालिफाई करने का सोचना ही नहीं चाहिए। तो आप एक अपना शेड्यूल बनाइए और सुबह उठिए तो ये सोचिए कि मुझे आज ये करना है, और रात को जब सोइए तो एक बार फिर से सोचिए कि हाँ मैंने क्या क्या किया है। अगर आप अपनी जो टू डू लिस्ट है उसको आपने पूरी कर ली है तो निश्चित तौर पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये चीज सबको ध्यान रखनी चाहिए। गौरव सर का कितना अहम रोल रहा इस पूरी जर्नी में? गौरव सर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा। मैं 2019 में उनसे जुड़ गया था जब उनका यूट्यूब पे पेड बैच हुआ करता था, तभी से मैं जुड़ा हुआ था और करंट अफेयर्स में पढ़ता था। फिर सर का स्टैटिक जीके आया, मैंने उस कोर्स को भी ले लिया। उस टाइम मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करता था, लेकिन मैं ये सोच के लिया था कि मैं SSC का भी कभी कभी करता हूँ, मुझे रेलवे के भी एग्जाम देने हैं, तो ये सोच के मैंने स्टैटिक का कोर्स ले लिया और उसको भी पढ़ लिया। फिर मैं बैंकिंग का सर का कोर्स आया वो लेके, कि इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन फंस जाते हैं बैंकिंग के, मुझे टर्मिनोलॉजी बहुत सारे क्लियर नहीं है, तो बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स लेके पढ़ लिया। फिर इंश्योरेंस में सर का भी कोर्स लिया और इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ा इंश्योरेंस के एग्जाम के लिए। तो सर का बहुत बड़ा रोल रहा। अभी मैं लोग सोचते हैं कि ये चीज कहाँ काम आएगी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि सर का बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स मुझे SSC CGL के EEE का एक पेपर होता है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का, जो उसका अलग से पेपर होता है। अगर आप इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखें तो उसमें बैंकिंग की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फाइनेंस कमीशन, ये सारी चीजें बजट से रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें लोग अलग से पढ़ते हैं। मैंने सारी चीजें पढ़ के गई थी तो मुझे लगा हाँ ये सारी चीजें तो मेरी कवर थी, और सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया था कि मुझे दोबारा वहां पढ़ने की जरूरत ना पड़ी। तो चीजों को अगर आप पढ़ते रहेंगे, ये मत सोचिए कि ये मेरे कहाँ काम आएगी कहाँ काम नहीं आएगी, वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको रिवार्ड दे के जाती है। और सर की एक चीज मैं मतलब जिससे मैं काफी खुश रहता था,
मैं सर को एग्जाम से 2-3 दिन पहले मैसेज करता था, अगर कोई चीज मेरी कंप्लीट नहीं होती थी, मतलब लगता था कि यहाँ मुझे डाउट है कि सर ये चीज में थोड़ा डाउट है, अगर इसे आप वीडियो या किसी चीज से मुझे समझा देते तो सर मतलब अपने शेड्यूल से उसमें टाइम निकाल के और पक्का कोशिश करते थे। अगर उनसे वीडियो बन जाता था, जैसे मैं कभी कंफ्यूज हो गया सर डिफेंस में इससे मुझे दिक्कत हो रही है, इस पे या तो एक वीडियो बना देते या सर मुझे कुछ बता देते, तो सर अगर वीडियो बनाने का टाइम होता था तो पक्का एक वीडियो अपलोड कर देते थे, और वरना कभी कभी मैं लास्ट मोमेंट पे मैसेज करता था तो जरूर वो डाउट क्लियर कर देते थे। तो सर मतलब एज ए स्टडी IQ के फाउंडर सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समय निकाल के स्टूडेंट के लिए हमेशा सर लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं, और ये सक्सेस भी मुझे जितने मिली उसमें सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके लिए मैं सर को स्पेशल थैंक यू कहूंगा और एक बार कोशिश करूंगा कि जरूर मिलकर भी थैंक यू करूं। We are also very happy, very very glad and very proud of your achievement and even Gaurav sir. Thank you so much. कुछ final tips suggestion आप सभी को देना चाहेंगे? फाइनल सजेशन मैं यही देना चाहूंगा कि कभी कभी मुझे लगता था कि ये चीजें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, लेकिन सबके साथ होता है। आप एक पढ़ेंगे, रिजल्ट नहीं होगा, फाइनल में जाके आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सबको एक चीज सोचनी चाहिए कि अगर हम लोग को पढ़ने का ही मौका मिला है तो हम लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि हम लोग के एज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लोग के दोस्त ही हैं जो कहीं चले गए घर की जरूरतों के लिए, कमाने के लिए, या अगर गर्ल्स हैं तो बहुत सारी उनकी ही दोस्त होंगी जिनकी शादियां हो गई। तो अगर आपको मौका मिला है पढ़ने के लिए तो भरोसा रखिए भगवान पे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा, आप बस मन से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड वेरी सेंसिबल एडवाइस कि पढ़ने का मौका मिला है तो उसका लुफ्त उठाइए, उसको अच्छे से लेवरेज करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों की वजह से ये मौका नहीं उठा पाते, इसलिए अगर आपको मिला है आप भाग्यशाली हैं और उसको अच्छे से यूज करिए। थैंक यू अंकित, पूरी टीम की थैंक तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।